आदित्य नारायण का लेटेस्ट कॉन्सर्ट छत्तीसगढ़ के एक कॉलेज में हुआ था। इस कॉन्सर्ट के बाद सिंगर चर्चा का विषय बने हुए हैं और लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से आदित्य नारायण कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। उन्होंने एक स्टूडेंट पर गुस्सा निकाल दिया था। इस स्टूडेंट का नाम लवकेश चंद्रवासी है। लवकेश द्वारा सेल्फी लेने के लिए दिए गए फोन को सिंगर ने फेंक दिया था। उसके बाद स्टूडेंट को माइक से भी मारा था। इस घटना के बारे में लवकेश ने मीडिया से खुलकर बात की है और उस दिन की सच्चाई बताई है। आदित्य नारायण के कॉन्सर्ट में उनके गुस्से का शिकार हुए लवकेश ने मीडिया से उस दिन की सच्चाई को बताई है। लवकेश ने बताया, कॉन्सर्ट चल रहा था और मैं फ्रंट स्टेज पर खड़ा था। आदित्य सर परफॉर्म कर रहे थे और वो सबके फोन लेकर सेल्फी क्लिक कर रहे थे। मैं स्टेज के पास था तो मैंने भी अपना फोन उन्हें पकड़ा दिया, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पर माइक मार दिया और बेमतलब में मेरा फोन फेंक दिया। वो सबके साथ सेल्फी ले रहे थे, मुझे लगा कि मेरे साथ भी लेंगे तो मैंने अपना फोन दे दिया। लवकेश ने बताया, लोग काफी कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो सच नहीं है। किसी ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि हम उन्हें नॉर्मली सेल्फी लेने के लिए फोन दे रहे थे और वो क्लिक भी कर रहे थे। फोन फेंकने के बाद भी वो सेल्फी देते रहे। सिर्फ वही जान सकते हैं कि उनका मूड कैसा था। आदित्य के मैनेजर ने कहा था कि वो लड़का आदित्य के पैर खींच रहा था, इस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया था। जब लवकेश से पूछा गया कि क्या वो आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे, इस पर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो खुद डरे हुए हैं। फिलहाल आदित्य नारायण की इस हरकत पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।